वेलकम टू रोज का टॉक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की, और ह्यूमन एवोल्यूशन में आज हम बात करेंगे चाइल्ड बर्थ की। अभी हाल ही में चाइल्ड बर्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया में हर साल 35,19,000 यानी कि 35 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 11 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं। इसी के साथ साथ 2018 और 2019 का अगर हम डाटा देखें तो प्रीमेच्योर चाइल्ड बर्थ का रेट 2% से बढ़ चुका है, और पिछले 10 सालों में प्रीमेच्योर बेबी का रेट बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड यानी कि हमारे पेट में रहने का पीरियड अगर 9 महीने है, तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो 7 महीने या फिर 8 महीने ऐसे टाइम में हो जाते हैं, यानी कि लेबर हमारे डेफिनेट टाइम से पहले हो रहा है। और इसका वन ऑफ द मेन रीज़न है हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन जो हो रहा है। क्या आप ऐसे बिलीव करेंगे कि हम ऐसा दिखने वाले हैं फ्यूचर में, या फिर हमारा एवोल्यूशन इसी रास्ते में हो रहा है कि आगे चल के हमारा सर इतना बड़ा हो जाएगा, और इसी के कारण हम जो ह्यूमंस हैं प्रीमेच्योर पैदा हो रहे हैं। एवोल्यूशन पार्ट वन में हमने ये बात किया था कि इंडियंस मोटे क्यों होते हैं, भारत के लोग मोटे क्यों होते हैं, जेनेटिक रीज़न क्या होता है उस चीज़ का। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन चाइल्ड बर्थ की। अब हमारे सिर का साइज़ बड़ा होने का मतलब क्या है? बेसिकली ये है कि हमारा एवोल्यूशन इस रास्ते में हो रहा है कि हमारे फोरहेड यानी इस चीज़ का साइज़ बड़ा हो रहा है, यानी कि ये ज़्यादा ग्रो कर रहा है जब हम वूम्ब में होते हैं। इसी के कारण बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे बर्थ में, जिसकी वजह से प्री टर्म यानी कि प्री मेच्योर बेबी पैदा हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। भले ह्यूमंस के बेबी नॉर्मली तो 9 महीने में होते हैं, पर ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ह्यूमंस का बर्थ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल चीज़ों में से एक होता है। ऐसा कहा जाता है कि कई सारी हड्डियों का टूटने का जो पेन होता है वो पेन होता है एक ह्यूमन के चाइल्ड बर्थ में, और ये बात सच भी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो ह्यूमंस का चाइल्ड बर्थ होता है वो इतना पेनफुल होता है, और अगर हम कंपेयर करें दूसरे एनिमल्स से तो उनका चाइल्ड बर्थ इतना पेनफुल नहीं होता। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस बात की कि ह्यूमंस का चाइल्ड बर्थ पेनफुल कब से होने लगा। अब एवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि जैसे जैसे इंसान सीधा खड़ा होने लगा तो हमारा जो वूम्ब होता है यानी कि फीमेल्स का वूम्ब, वो धीरे धीरे छोटा होने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी बॉडी ऐसे खड़ी होने लगी तो हमारे पेट का साइज़ छोटा होने लगा, इसीलिए हमारा वूम्ब छोटा होने लगा। और अब जैसे कि ह्यूमन दो पैरों पे खड़ा होने लगा तो जो बच्चा होता है वो बच्चा अगेंस्ट ग्रेविटी रखा होता है, यानी कि बच्चा ऐसे रखा होता है। अब क्योंकि हम जब वूम्ब में होते हैं हम अगेंस्ट ग्रेविटी हैं, तो इससे होता यह है कि हम बहुत लंबे समय तक पेट में एक बच्चे को कैरी नहीं कर सकते थे। अब इससे ये हुआ कि ह्यूमंस के जो बच्चे होने लगे वो इतने इनकैपेबल होने लगे कि हमें उनकी केयर करनी पड़ती है 1-2-3 साल तक, और उसके बाद ही वो चल पाते हैं सही तरीके से। दूसरे एनिमल्स में नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप गाय के बच्चे को देखें तो वो पेट से निकलते ही चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय का जो वूम्ब है वो अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं है। गाय चार पैरों पर खड़ी होती है, उसके बच्चे उसके पेट में होते हैं तो वहाँ अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं है। लेकिन हम सिंस क्योंकि हम दो पैरों में खड़े होते हैं तो जो वूम्ब में जो बच्चा होता है वो अगेंस्ट ग्रेविटी रखा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे रखा होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो 9 महीने हो गया। अब हम ये बात करते हैं कि जो लेबर होता है वो इंड्यूस कैसे होता है। लेबर इंड्यूस ऐसे होता है कि हम सारे लोग पेट के अंदर कुछ ऐसे रखे होते हैं। अब जैसे ही हमारे सिर का साइज़ एक सर्टेन साइज़ का हो जाता है वो यूटेरस में आके धस जाता है, और जैसे ही सिर यूटेरस में आके धस जाता है तो जो लेबर होता है वो इंड्यूस हो जाता है। और जैसे ही यूटेरस में जाके हमारा सिर धसता है वैसे ही बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स इंड्यूस होने लगते हैं जिससे रिग्रेस कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है और चाइल्ड बर्थ चालू हो जाती है। अब ये नॉर्मल सिनारियो है कि 9 महीने में ही हमारा सिर इतना बड़ा होगा कि चाइल्ड बर्थ होगी, पर पॉइंट ये है कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन इस रास्ते में जा रहा है कि हमारा सिर और बड़ा हो रहा है। अब इससे होता क्या है कि क्योंकि हमारा चाइल्ड बर्थ इंड्यूस ही इससे होता है कि हमारे सिर का साइज़ एक
मिनिमम साइज पे पहुंच जाता है। तो अब क्योंकि हमारे सिर का साइज बड़ा हो रहा है, तो वो साइज जो 9 महीने में हुआ करता था वो उससे पहले हो जाता है। पर हमारे सिर का साइज बड़ा हुआ है, हमारी बॉडी का कोई और ऑर्गन इतना डेवलप नहीं हो गया है कि हम 9 महीने से पहले निकल के ठीक ठाक से ग्रो हो जाएं। तो इसकी वजह से ये होता है, क्योंकि इंसानों का सर बड़ा हो रहा है, तो सर 9 महीने से पहले ही एक मिनिमम साइज में बड़ा हो जाता है, तो वो यूटेरस में आके धंस जाता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बेबी पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो रही है क्योंकि वो प्रीमेच्योर पैदा हो रहे हैं। कई सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि अगर ये चीज़ हमारे फ़ायदे की नहीं है तो ऐसा एवोल्यूशन क्यों हो रहा है ह्यूमंस का। तो पॉइंट ये है कि जो एवोल्यूशन होता है वो किसी के फ़ायदे या किसी के नुकसान के लिए नहीं होता। एवोल्यूशन जो होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, रिगार्डलेस ऑफ कि हम क्या चाहते हैं या हम नहीं चाहते, एवोल्यूशन उसी तरीके से होता है जो कंडीशंस होती हैं हमारे आसपास। तो अब ह्यूमंस की कंडीशंस ऐसी हैं या फिर हमारे जीन में ऐसा लिखा है कि हमारा एवोल्यूशन उसी रास्ते में होगा जिस रास्ते में हमारा सिर का साइज़ बड़ा होगा, और इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। पर इसका मतलब ये नहीं है ह्यूमन की स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी या फिर ऐसा होगा कि सारे बच्चे इमेच्योर पैदा होने लगेंगे, लेकिन ये बहुत कंसर्न का मामला है। ऐसा हो भी सकता है कि आगे 100 या 200 साल में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए। इस वीडियो को बनाने का पॉइंट ये है कि ये प्रॉब्लम अब हमें दिखना चालू हो गई है, ये चीज़ें हमें अब दिख रही हैं कि हमें कैसे बचना है। तो इस चीज़ से बचने का अब तरीका खोजा जा रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की जा रही हैं जिससे हम आर्टिफिशियल वूम बना सकें, तो अगर बच्चा प्रीमेच्योर भी पैदा हो जाता है तो हम उसे रख सकें अगर वो प्रीमेच्योर भी होता है। तो अगर आप एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं, अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए। एवोल्यूशन पार्ट 2 आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। द लॉजिकल टॉक की दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।